हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी अड्डा 24/7। मैं हूं अंकित चौधरी। 12 बज चुके हैं, पॉलिटिक्स का सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। जो जो मेरे साथ जुड़ गया है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। एक नया हफ्ता है, एक नए हफ्ते की शुरुआत है और दोबारा से तैयारी जो है जोर शोर से अपनी आगे बढ़ानी है। तो एक बार सेशन को जल्दी से जोर लगा के शेयर कर दीजिएगा, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद जो है डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हमें बात करनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होता है, कौन मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं, कौन उनकी नियुक्ति कर रहा है, किसके प्रति वो जवाबदेह होते हैं, आज इस सब पे चर्चा करनी है। हालांकि पहले भी इन पे हम चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन पहले भी हो चुका है हमारा इन पे। आज बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपका रिवाइज हो जाएगा, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि यार आपकी तैयारी का लेवल कैसा चल रहा है, क्या आपको पुरानी बातें याद है, पुराने कॉन्सेप्ट याद है जो हमने पढ़ लिए हैं। तो आज वो सब आपके साथ होने वाला है। एक बार सेशन शेयर करेंगे फिर आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई। आज से हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो लाइव होने वाला है। जो आप देख रहे हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आज से ये लाइव हो जाएगा। जिन बच्चों ने हमारा फाउंडेशन बैच ले लिया है, आपको तो ये फ्री में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके लिए ये फ्री में आपको मिल जाएगा। जो और बच्चे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आज 2 बजे पहला इसका सेशन है, आज 2 बजे 2 PM इसका पहला सेशन होने वाला है। वो सेशन एक IAS ऑफिसर कंडक्ट करेंगे, तो आपको सीधा एक IAS ऑफिसर से जुड़ने का मौका मिलेगा आज दोपहर 2 बजे। जो पहला सेशन है वो एक IAS ऑफिसर कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहता है हमसे, जो फाउंडेशन बैच में, आपको तो मिल जाएगा, आप टेंशन ही मत लो, आपको तो पूरे साल मेंटोरशिप मिलेगी। जो अलग से जुड़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी जो बच्चा कर रहा है वो भी जुड़ना चाहता है, आप भी जुड़ सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई कर देना Y365 Y365, जिससे आपको ये बैच जो है, ये जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये लगभग ₹2,225 में मिल जाएगा, सॉरी 2,250, मतलब 2,200-2,300 रुपए के आसपास ही आपको मिल जाएगा। जो अलग से जुड़ना चाहता है उसके लिए मैं बता रहा हूं, एक मंथ का ये प्रोग्राम होगा आप लोगों के लिए। आप एक महीने तक मेंटोर्स के साथ जुड़ के समझ सकते हैं एग्जाम की बारीकियां, जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चंस है, उन्हें आप क्लियर कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। और हाँ, जिन्होंने बैच में एडमिशन ले लिया, आप टेंशन मत लो, आपको मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा, इसी में वो जुड़ जाएगा। जो इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहता है आप जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग फाउंडेशन बैच है, टाइम है इसका 7 बजे से 9 बजे तक। 16 तारीख से 16 अगस्त से पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें पहला जो सब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बैच में, वो पॉलिटी ही होने वाला है। जो जुड़ना चाहता है इसमें हमारे साथ जुड़ सकता है। पॉलिटी सब्जेक्ट से 16 तारीख से क्लासेस फुल फ्लेज्ड स्टार्ट हो जाएंगी, अभी NCERT चल रही है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, आज से लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है। देखो यार, आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक चीज समझाऊं। यूपीएससी की तैयारी करते हुए कई बार क्या होता है, काफी टाइम लग जाता है सिलेक्शन लेने में, तो वहां पर बच्चे को एक करियर बैकअप नहीं मिल पाता। ये 2 एग्जाम आ रहे हैं, दोनों ही करियर बैकअप के तौर पर आपका काम कर सकते हैं। एक है यूपीएससी EPFO का, यूपीएससी ही कंडक्ट कराएगा। 50-60% सिलेबस जो है यूपीएससी के जैसा ही होने वाला है। इसमें ये पेपर अभी नोटिफाई हो जाएगा यूपीएससी की तरफ से, आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, चाहे सेल्फ स्टडी करके भरिए लेकिन फॉर्म जरूर भरिएगा। ये अच्छा करियर बैकअप आपका साबित हो सकता है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 85,000 रुपए, 85,000 रुपीज। इसका बैच 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। यूपी में RO की वैकेंसी आने वाली है, इसका भी फॉर्म जरूर भरिएगा, यह भी आपको एक अच्छा करियर बैकअप दे देगा आपकी यूपीएससी की तैयारी में। इसका बैच आज से शुरू हो रहा है। जो भी बैच में एडमिशन लेना, Y365 Y365 लगा लीजिएगा, आपको 78% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। और हाँ यार, देखो आप, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं, मैं छोटे भाई बहन की तरह आपको कंसिडर करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताता चलता हूँ। यूपीएससी की तैयारी में कई बार तैयारी लंबी हो जाती है तो बच्चे को घबराहट होने लगती है, मेरे करियर का क्या होगा। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे EPFO का एग्जाम आने वाला, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, RO का एग्जाम है यूपी में, ये आपके एक बहुत अच्छा करियर बैकअप होता है। एक बार जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है, अच्छी सैलरी आने लग जाती है, तो बच्चा फ्री माइंड हो जाता है, फिर वो लंबे समय तक भी अपनी तैयारी को जारी रख सकता है। तो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर। एम लक्ष्मीकांत का ही चैप्टर है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, और उनके बाद आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत में चाहे कोई भी निर्णय ले राष्ट्रपति खुद, लेकिन इसके बावजूद
राष्ट्रपति जो निर्णय लेते हैं वो किसकी सलाह पर लेते हैं? मंत्रिपरिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये मंत्रिपरिषद कैसे गठित होता है, कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, इनकी सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है, क्या क्या प्रावधान है इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर में हम वो सब कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। देखिए यूपी के एग्जाम्स के साथ इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ईपीएफओ के एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। और एक चीज और बता दूं, यूपी में जो एग्जाम्स होते हैं उनके साथ एक बहुत अच्छी बात जुड़ी हुई है, यूपी के एग्जाम्स में सभी बैठ सकते हैं जनरल कैटेगरी में। अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते तो भी आप जनरल कैटेगरी में आरओ आरओ का एग्जाम दे सकते हो, तो टेंशन मत लेना, आप भर सकते हो। चलो अब सुन लो, सबसे पहले हमें यह पता है आज आपका बहुत कुछ रिवाइज होने वाला है, ठीक है, आज आपका बहुत कुछ रिवाइज होने वाला है, तो जरा आराम से बैठो और चीजों को पढ़ते रहो मजे से। हमने पहले भी यह बात पढ़ी है कि भारत में क्या है, भारत में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है भारत में? भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है, संसदीय प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट अलग होते हैं, राज्य के मुखिया, राज्य के प्रमुख अलग होते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो अलग होते हैं सरकार के मुखिया। हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं बताते चलना मुझे बस, हेड ऑफ स्टेट, राज्य के मुखिया कौन होते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट सरकार के मुखिया कौन होते हैं। देखो रिविजन चल रहा है तो मुझे बताते चलना, ठीक है। हमने ये कहा कि भाई भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में दो प्रमुख होते हैं, एक होते हैं राज्य के प्रमुख, एक होते हैं सरकार के मुखिया। राज्य के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो भैया भारत में हमने अपनाई है, भारत में हमने अपनाई है पार्लियामेंट्री प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, सरकार के जो मुखिया होते हैं, सरकार के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री। राज्य के मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कि भाई राष्ट्रपति को जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है, जो भी निर्णय निर्माण करना है वो किस तरीके से करना है, इसके लिए सलाह देने के लिए कौन होता है, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो भैया राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को बताता है उन्हें क्या निर्णय लेना है, किस आधार पर लेना है। ये जो मंत्री परिषद होता है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके हेड कौन है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। सबको याद है, सबको याद है, दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं, गौर से सुन लेना जिसे नहीं पता है। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में दो अलग प्रमुख होते हैं, एक होते हैं राज्य के मुखिया, हेड ऑफ स्टेट जिन्हें कहा जाता है, एक होते हैं सरकार के मुखिया जिन्हें कहा जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। राज्य के मुखिया या राष्ट्र के मुखिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति कहलाते हैं, और जो सरकार के मुखिया होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रधानमंत्री। सारे के सारे निर्णय जो लिए जाते हैं देश में वो राष्ट्रपति खुद लेते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह पर लेते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद में मुखिया कौन होता है, मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। जैसे अभी भारत में राष्ट्रपति हैं महामहिम मुर्मू जी, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति हैं इस टाइम महामहिम मुर्मू जी, लेकिन वो किसकी सलाह पर काम कर रही है, मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये है भारत का सिस्टम, ठीक हो गई बात, ये है भारत का सिस्टम, ठीक हो गई बात। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम भारत की संसदीय प्रणाली की बात करें, देखिए भारत का संविधान अपने आप में बहुत विचित्र भी है। अगर मैं बात करता हूं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत विचित्र है। विचित्र क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना तो कर दी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं की गई। समझ सकते हो आप इस बात को कि हमारे यहां हमारे संविधान ने संसदीय प्रणाली की स्थापना तो कर दी, लेकिन संविधान में संसदीय प्रणाली के बारे में कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया। दो ऐसे मुख्य आर्टिकल हैं, दो ऐसे मुख्य अनुच्छेद हैं जो भारत में संसदीय प्रणाली के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट डील विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला है हमारा अनुच्छेद 74, पहला है अनुच्छेद 74, आर्टिकल नंबर 74।
आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि भारत में क्या होगा, भारत में एक मंत्री परिषद होगा, क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का काम क्या होगा, मंत्रिपरिषद का कार्य होगा भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने का, और भारत के राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो हमारे संविधान ने भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना तो कर दी, लेकिन संविधान में संसदीय प्रणाली के बारे में ज्यादा बातें नहीं की गई हैं। दो मुख्य आर्टिकल ऐसे हैं जहां पर संसदीय प्रणाली के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, कौन कौन से, 74 और 75। 74 में क्या कहा गया, 74 में क्या कहा गया कि भाई एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद का काम क्या होगा, एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगा और राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह पर कार्य करेंगे। दूसरा है 75, आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75। इस मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होगा, मंत्रिपरिषद की तनख्वाह कौन डिसाइड करेगा, ये सारे प्रावधान कहां किए गए हैं, ये किए गए हैं अनुच्छेद 75 में। बोलो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो 74 यह कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, 75 यह बताता है मंत्रिपरिषद में नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है इनकी तनख्वाह कौन डिसाइड कर रहा है, वो सारे प्रावधान कहां दिए गए, 75 में दिए गए। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, यहां तक सारी बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 74 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 74 की थोड़ी सी डिटेल में, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं अनुच्छेद 74। अब ये तो हमने देख ही लिया कि अनुच्छेद 74 सिंपली ये कह रहा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगा, और भारत के राष्ट्रपति इस सलाह के ऊपर ही अपना निर्णय निर्माण करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। यहां तक तो हमने समझ लिया, अगर आप पढ़ना चाहें आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो 74 तो क्लियर हो चुका है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या काम करेगा मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने का काम करेगा और राष्ट्रपति इसी सलाह के ऊपर निर्णय निर्माण करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर कुछ बातें समझने वाली है, यहां पर कुछ बातें समझने वाली है। देखिए 1976 एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, 1976 एक बहुत महत्वपूर्ण साल है। आप मुझे बता सकते हो महत्वपूर्ण क्यों है, आपको भी पता होना चाहिए, मैंने क्लास में बताया है इसके बारे में। 1976 भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 1975 से लेकर 1977 तक, 1975 से लेकर 1977 तक भारत में लगाया गया था आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी। क्या लगाया गया था, आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी, और इस इंटरनल इमरजेंसी के दौरान ही भारत के संविधान में बहुत कुछ संशोधित किया गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस इंटरनल इमरजेंसी A lot of provisions in the Constitution of India were amended. उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। एक बहुत बड़ा संशोधन लेकर आया गया था 1976 में, जिसे हम कहते हैं 42nd Constitutional Amendment. इसे हम बोलते हैं 42वां 42nd Constitutional Amendment Act. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था, 1976 में लाया गया था। और मेरे बच्चों इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा संविधान। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान। छोटा संविधान क्यों कहा जाता है, मैंने आपको एक बार पहले बताया था, छोटा संविधान क्यों कहते हैं, छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने भारत के संविधान में जगह जगह बहुत सारे बदलाव किए थे, इसलिए हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, हमारा प्रीएम्बल हो गया, सब जगह इसने कुछ ना कुछ छेड़खानी की बदलाव किया, इसलिए हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक और छोटा सा काम किया था, अब जरा इस बात को थोड़ा दिमाग में बिठा लेना, अभी समझ में आ जाएगी, उसके बाद लाइफ लॉन्ग भूलोगे नहीं। 1976 से पहले,
1976 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब तक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, तब तक आर्टिकल नंबर 74 अनुच्छेद 74 में यह बात लिखी भी नहीं थी कि यह जो सलाह दी जाएगी मंत्रिपरिषद की तरफ से राष्ट्रपति को, जो सलाह दी जाएगी यह उनके ऊपर बाध्यकारी होगी. दैट द एडवाइस दैट इज टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. यह बात लिखी भी नहीं थी. यह सलाह को बाध्यकारी कब बनाया गया? इसे बाध्यकारी बनाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. बोलो ये बात क्लियर हुई? बोलो ये बात क्लियर हो गई? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले आर्टिकल नंबर 74 में यह बात नहीं लिखी थी कि जो सलाह मंत्रिपरिषद दे रहा है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होगी. यह बाध्यकारी किसने बनाई, बाइंडिंग किसने बनाई? यह बनाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. बोलो ये बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? अब आपको एक बात पता होगी, आपको एक बात पता होगी, मैंने आपको एक चीज और समझाई थी जब मैंने ये सब समझाया. मैंने आपको, मैं आगे लिख देता हूं इसके बारे में, मैंने आपको यह बताया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यह कब आया था बच्चे? 1978 में आया था. सबको याद है, यह बता दो एक बार मुझे. सबको याद है, मैंने आपको यह भी पहले बताया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में. कौन लाया था? जनता पार्टी की सरकार लाई थी, जनता पार्टी. भाई जब देश में आपातकाल हटाया गया था, जिसे नहीं पता मैं बता देता हूं, 1977 में जब देश में आपातकाल हटा, एमरजेंसी जब हटी, उसके बाद चुनाव होते हैं लोकसभा के, और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री जो हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी कांग्रेस पार्टी हार गई नेक्स्ट इलेक्शन. क्यों हार गई? क्योंकि देश में आपातकाल लगाया था, जनता में रोष था, गुस्सा था, तो उन्हें हरा दिया. उसके बाद जो सरकार बनी थी वो बनी थी जनता पार्टी की. जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई भारत के इतिहास के प्रथम नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री भी रहे, ये याद रखना. मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई साहब जो थे वो भारतीय इतिहास के प्रथम नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे थे. 1978 में जब इनकी सरकार बनती है, 77 के बाद सॉरी, जब इनकी सरकार बनती है तो 78 में, 1978 में ये 44th संविधान संशोधन अधिनियम लाते हैं, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम को मैंने आपको कई बार बताया, मैं इसे कहता हूं पॉजिटिव. मैं पर्सनली इसे बोलता हूं ये एक पॉजिटिव अमेंडमेंट है, याद है सबको. और पॉजिटिव क्यों बोलता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया, पॉजिटिव मैं इसे इसलिए मानता हूं क्योंकि इसने आपातकाल के दौरान भारत के संविधान में जो कुछ गलत जोड़ दिया गया था उसको सही करने की कोशिश की थी. 44वें संविधान संशोधन ने एक और काम कर दिया छोटा सा, इसने भारत के राष्ट्रपति को यह ताकत दे दी, यह शक्ति दे दी, यह प्राधिकार दे दिया कि भारत के राष्ट्रपति एक बार, केवल एक बार मंत्रिपरिषद को यह कह सकते हैं कि आपने जो मुझे सलाह दी है आप इस पर पुनर्विचार कर लो. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस बट जस्ट वंस. ठीक है, तो इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति मिल गई थी कि वो एक बार, केवल एक बार मंत्रिपरिषद जो है उससे ये कह सकते हैं जो तुमने मुझे सलाह दी है इस पर पुनर्विचार कर लो. लेकिन पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह दी जाएगी वो बाध्यकारी होगी, वो बाइंडिंग होगी. ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में. तो अगर अभी, अगर आज की तारीख में आपसे पूछा जाए कि भाई क्या मंत्रिपरिषद की एडवाइस बाइंडिंग है, बाध्यकारी है, तो हां बिल्कुल बाध्यकारी है. लेकिन, लेकिन हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को एक छोटी सी शक्ति दी है. वो शक्ति क्या है? वो एक बार, केवल एक बार मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं जो तुमने मुझे सलाह दी तुम इस पर पुनर्विचार कर लो, मुझे लगता है सलाह ठीक नहीं है. लेकिन पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी वो क्या हो जाएगी? बाइंडिंग हो जाएगी, बाध्यकारी हो जाएगी. यहां तक सब क्लियर है तो बता दो. बोलो मेरे बच्चों, यहां तक सब क्लियर है? एक बार जरा मास्टर जी को बता दो, यहां तक सब क्लियर है मेरे बच्चों? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे. अब यहां पर एक चीज और सुनने वाली है, एक चीज और सुनने वाली है. देखिए, मंत्रिपरिषद
राष्ट्रपति को जो सलाह दे रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह दे रहा है, भारत में किसी भी न्यायालय में, मैं सर्वोच्च न्यायालय को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को इस बात में शामिल करके बोल रहा हूं जो बात बोल रहा हूं, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भारत के राष्ट्रपति को जो सलाह दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, भारत में कोई भी न्यायपालिका, इंडिया में कोई भी जुडिशरी इस सलाह पर सवाल नहीं उठाएगा। यह नहीं पूछेगा कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, ऐसा नहीं पूछ सकता। ठीक है, यहां पर यही बात लिखी गई है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। तो भारत में किसी भी न्यायपालिका के पास यह शक्ति नहीं है कि वो ये बात पूछ सके कि भैया मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया जाता होगा? आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया जा सकता होगा? बोलो, चलो देखते हैं आप इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। भारत में किसी भी न्यायपालिका, किसी भी जुडिशरी के पास यह शक्ति नहीं है कि वो इस बात पे सवाल उठा सके कि भाई मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, हमें बताया जाए। ऐसा क्यों किया गया होगा, बता सकता है कोई? बोलो, क्या कोई बता सकता है वाई ऐसा क्यों किया गया है? जल्दी जल्दी बता दो, इतना टाइम नहीं है, आगे बढ़ना है। सेशन को लाइक और शेयर कर दो। मैं देख रहा हूं यार लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, मुझे दिख जाता है यहां पे, मैं बता दूं आपको, मैंने पूरा सिस्टम लगवाया हुआ है यहां पर, कौन लाइक नहीं कर रहा है, किसने शेयर नहीं किया, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं बता दूं आपको। बेसिक, इसका बेसिक पर्पस है सेपरेशन ऑफ पावर को प्रिजर्व करने के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। भैया देखो देखो, हमने पहले एक बार यह चीज पढ़ी थी, जरा लिंक करने की कोशिश किया करो। हमने पहले एक बार यह चीज पढ़ी थी, याद है आपको? हमने क्या पढ़ी थी चीज? हमने यह पढ़ा था कि जो न्यायाधीश होते हैं, जरा गौर करना इस बात पर और लिंक करने की कोशिश किया करो चीजों को। हमने यह पढ़ा था जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों का जो कंडक्ट होता है, व्यवहार होता है, उसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। हमने ऐसा प्रावधान क्यों किया संविधान में जोड़ा? हमने इसलिए जोड़ा संविधान में जिससे हम सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण को प्रोटेक्ट करके रख सके, उसे सुनिश्चित कर सके। अगर हम यहां पर यह कह रहे हैं कि भाई मंत्रिपरिषद जो सलाह दे रहा है तो जज भी उस पर सवाल नहीं उठा सकते कि क्या सलाह दी गई है, तो यह भी तो शक्तियों के पृथक्करण में ही आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर में ही आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इट इज टू प्रिजर्व द सेपरेशन ऑफ पावर, इट इज टू प्रिजर्व द सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको भारत में बनाए रखने के लिए काम किया गया। बोलिए बात क्लियर हो गई। मेरे बच्चे कोई पूछ रहा, सर आपको कैसे पता लगा कि हमने लाइक नहीं किया? मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आदर्श जी, अभी जो आपने कमेंट किया ना मेरे बच्चे, अगर अगली बार मैंने देख ली, बदतमीजी, अगली बार अगर मैंने देख ली, मैं साफ बता रहा हूं, ग्रुप से भी जाओगे और यहां से भी जाओगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस से तो चले जाओगे, उसके बाद जिससे लेनी है ले लेना भाई। मैं देखो पहले भी कह चुका हूं, क्लास में आते हो तमीज से पढ़ने के लिए आया करो। और हाँ, यहां पर ना मुझे सब पता लग जाता, मैंने एक सिस्टम लगवाया हुआ है यहां पर, मुझे पता लग जाता कौन बच्चा कहां बैठा हुआ है, जहां से आप हो ना यहां पर आ जाता है, किसने लाइक नहीं किया यहां पर पता लग जाता, सब पता लग रहा, चिंता मत करना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों है? ये शक्तियों के पृथक्करण को स्थापित करने के लिए। अब आते हैं 75 में, आर्टिकल नंबर 75 पर आ जाते हैं, अनुच्छेद 75। भाई अनुच्छेद 75 जो है ना, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, सब समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, थोड़ा दिमाग यहां पर रखना, ठीक है? सब समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, थोड़ा दिमाग क्लास में रखना, बस 75 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 75। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 75 अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद में जो और मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति स्वयं करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति स्वयं करेंगे, ठीक है? लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, भारत में जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति।
मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के अलावा भी तो मंत्री होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, अन्य मंत्रियों की भी राष्ट्रपति ने की, किसकी सलाह पर की? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे? भाई यहां पर तो 75 में तो यह लिख दिया गया है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 75 में तो संविधान में लिख दिया गया कि भैया जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो क्या मैं इसका मतलब यह निकालूं कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है, केवल और केवल उसी पॉलिटिकल पार्टी, उसी राजनीतिक दल के जो लीडर होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। पहली बात तो यह समझ लेना, ठीक है भाई। 75 में जरूर लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को भी उठा के बना देंगे। नहीं, लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत मिलता है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव में, उसके लीडर को ही प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जा सकता है। पहली चीज तो ये। अब कई बार क्या होगा, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है मेजॉरिटी ना मिली हो, ऐसा हो सकता है ना। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति आ जाती है। फिर यह सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? सिचुएशनल डिस्क्रिशन। तो फिर परिस्थितियों की वजह से, भाई ये तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि किसी को बहुमत ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री किसी को तो नियुक्त करना पड़ेगा ना, तो परिस्थिति ऐसी आ गई है, तो परिस्थितियों के की वजह से भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार शक्ति मिल जाती है, फिर वो क्या कर सकते हैं? किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाते। ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे उन्हें लगता है कि सरकार बनाने के लिए सबसे सही है। भाई हो सकता है कोई दल ऐसा हो जिसको पूर्ण बहुमत तो ना मिला हो, लेकिन उसके पास बाकी दलों का समर्थन हो और वो दल जो है वो सरकार बनाने की परिस्थिति में हो, तो फिर वो क्या करेंगे? उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सिचुएशन की वजह से हुआ है, परिस्थिति की वजह से हुआ। तो परिस्थितियों की वजह से भारत के राष्ट्रपति के पास कई बार विवेकाधीन शक्ति आ जाती है, विवेकाधिकार आ जाता है, उस परिस्थिति में वो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से नियुक्त कर देते हैं। और उसके बाद जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है उसे लगभग एक महीने का समय दिया जाता है और उससे कहा जाता है अब तुम लोकसभा में जाके अपना बहुमत सिद्ध कर दो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और आ गई है हमारे सामने जिसे याद रखने वाली है, क्या है? किसी भी नेता को प्रधानमंत्री बनाने से पहले उससे यह नहीं कहा जाएगा कि अपना बहुमत सिद्ध करो। आप पहले किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद आप उसे लगभग एक महीने का समय देंगे, उस एक महीने में उसे संसद के पटल पर लोकसभा में जाकर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक हो गई बात? यहां तक सब क्लियर है? बोलिए, सब क्लियर है? पूनम जी, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है अगर यह भी मुझे बताना पड़ेगा तो बच्चे बताओ कैसे काम चलेगा? आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, बिल्कुल, इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का स्वविवेकाधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, एक महीने का लगभग समय दे दिया जाता है। अब भाई अगर मेजॉरिटी का मतलब भी मुझे बताना पड़ेगा तो यार कैसे क्लास, मतलब आप कैसे यूपीएससी की तैयारी कर पाओगे बताओ? अगर आप मुझसे पूछ रहे हो सर मेजॉरिटी का मतलब 50% + 1 होगा, भाई मेजॉरिटी का मतलब बहुमत, बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% + 1 ही तो होता है, ये भी बताओ, मैं बताऊंगा? भाई यूपीएससी एस्पिरेंट हो यार, ऐसा मत करो, मतलब थोड़ा यूपीएससी की कदर करो। चलो आगे बढ़ रहे। अब एक दौर ऐसा आया था भारत में, 1990 का दशक, 1990s की डेकेड की मैं बात कर रहा हूं, एक दौर ऐसा आया था 1990 का जो दशक है ना,
1990 का जो दशक है ये भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में, इसे कहा जाता है टर्बुलेंट टाइम्स। टर्बुलेंट टाइम्स का मतलब समझते हो आप लोग? टर्बुलेंट टर्बुलेंट का मतलब होता उथल पुथल का समय, ठीक है। तो 1990 का जो दशक था ये भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में कहा जाता है उथल पुथल का समय था, ठीक है, उथल पुथल का समय। इट वॉज अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्यों? क्योंकि 1990 के दशक में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा उभर कर नहीं आता था, जब भी चुनाव होते थे कोई भी राजनीतिक दल ऐसा उभर कर नहीं आता था जिसको पूर्ण बहुमत मिल जाए, जिसको लोकसभा के चुनावों में बहुमत मिल जाए। अब अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिली, तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने साथ और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर आओगे, आप छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ोगे और बहुमत सिद्ध करने की कोशिश करोगे, यह दिखाने की कोशिश करोगे कि हां आप देश में सरकार बना सकते हो और सरकार को चला सकते हो। छोटे छोटे राजनीतिक दल आपके साथ आएंगे क्यों? तभी तो आएंगे जब आप उन्हें लालच दोगे। भाई छोटे छोटे राजनीतिक दल आपके साथ जुड़कर सरकार क्यों बनाएंगे? तभी बनाएंगे जब आप उन्हें लालच दोगे। और लालच क्या होता है? लालच होता था कि ठीक है आप क्या कीजिए, हमें समर्थन दीजिए, आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेंगे, हम आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बना लेंगे। भाई डील तो बहुत बेहतरीन हुई, डील तो बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन इसकी वजह से भुगतता कौन है? देश भुगत रहा था। क्यों भुगत रहा था? इसलिए भुगत रहा था क्योंकि मंत्रिपरिषदों का जो आकार था, जो साइज था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो मैमथ हो गया था। मंत्रिपरिषदों में 100-100 से ज्यादा मंत्री होने लगे थे। क्यों? क्योंकि लालच देके अपने साथ जोड़ा था, सरकार बनानी थी, सरकार चलानी थी। सफर कौन कर रहा है? देश सफर कर रहा है। कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल पाता। आप खुद सोचो जहां पर अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दल एक साथ आएंगे, क्या सरकार ठीक ढंग से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। जहां निर्णय निर्माण में आप बहुत सारे लोगों को शामिल करोगे, भाई मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है? डिसीजन लेना ही तो होता है। जहां डिसीजन मेकिंग में आप बहुत सारे लोगों को शामिल कर लेते हो, वहां पर निर्णय निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर रेड टेपिज्म होता है, लाल फीता शाही होती है निर्णय निर्माण में। इसी वजह से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वां 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन से यह लिख दिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार कभी भी लोकसभा की कुल सदस्यता का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर, केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार कभी भी लोकसभा की कुल सदस्यता के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यह याद रखिएगा, बात क्लियर है? बात क्लियर है याद रखिएगा इस बात को, जल्दी बताओ भाई, बात क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे, याद रहेगी बात? याद रखिएगा इस बात को कि केंद्र में मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो लोकसभा की जो कुल सदस्यता उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता। यही सेम प्रोविजन राज्यों में भी है, यही सेम प्रोविजन राज्यों में भी है। राज्यों में भी जो मंत्रिपरिषद बनता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, उसका आकार उनकी विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, भारत में केंद्र राज्य दोनों में सेम प्रावधान है, मंत्रिपरिषद का आकार कभी भी विधायिका के 15% से अधिक नहीं हो सकता। सारी बातें क्लियर हो गई? आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो यार, हमने एक चीज और पढ़ी थी। ऐसा भी तो हो सकता है, आप एक राजनीतिक दल का हिस्सा हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, ठीक है, और क्या हुआ, सामने वाले दल ने आपको लालच दे दिया कि अगर तुम मेरी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाओगे और मैं बहुमत में आ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। हमने देखा था ऐसा चला करता था, 1960s से भारत में चला आ रहा है, 1960 के दशक से। सबको याद है यानी डिफेक्शन? या दोबारा बताऊं? बोलो, डिफेक्शन सबको याद है? डिफेक्शन, दल बदल, दल
बदल, दल को बदल लेना कहलाता है दल बदल। सबको याद है दल बदल, ये बता दो मुझे। अगर सबको दल बदल याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे मौका देना इसे एक्सप्लेन करने का यार, मुझे बड़ा मजा आता है बताने में। मुझे ना सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं आया राम गया राम के बारे में बताता हूँ। आया राम गया राम, मौका दे दो, कह दो सर याद नहीं है हमें। अगर तुम मेरे प्रिय, अगर तुम मेरे प्रिय छात्र हो, छात्राएं हो, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हें कहना पड़ेगा सर हमें याद नहीं है, प्लीज ये कह दो कि सर हमें याद नहीं है प्लीज। मुझे ना बड़ा, मुझे बड़ा मजा आता है यार, प्लीज ये कह दो कि सर याद नहीं है। मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये गुजारिश है, कह दो सर याद नहीं है। तो कितने कितने कमबख्त है कुछ बच्चे, कह रहे हैं सर याद है। मैं कह रहा हूं कि कह दो कि नहीं याद, मैं बोल रहा हूं बार बार, कह दो कि सर हमें याद नहीं है, फिर मुझे बताने। यार मुझे बड़ा मजा आता है, मैं कह रहा हूं ये बताने में। नहीं ना, नहीं याद ना, भूल गए ना, भूल गए, कैसे भूल गए भाई तुम लोग हैं? इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया था, तुम भूल गए? वाह, मतलब यहां जो मैं मेहनत करता हूं डेली बेसिस पे आके, ये बेकार है, इतनी जल्दी भूल जाओगे? क्या बात है यार, मतलब मेरी मेहनत वेस्ट कर दी तुमने, कह रहे हो भूल गए। चलो बताने दो, अब गौर से सुनो, देखो गौर से सुनो क्या हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। स्टोरी बताने का मेरा बहुत मन करता है इसलिए मैंने पूछा। अब सुन लो जो मैं कह रहा हूं। देखो क्या हुआ था, 1970 के दशक की बात है, 1960s की बात है। एक नेता हुआ करते थे, चलो अब सुन लो यार, सुन लो अब बात, सुन लो बात, सुन लो। 1960 के दशक की बात है, 1960s की बात है भैया। डीके 2.1 जो है ना, थप्पड़ मारूंगा कान पे खींच के, ये जो बार बार लिख रहे हो ना, ये कि देख के मन गड़बड़ हो, एक बार पढ़ लिया मैंने, फिर भी बकवास जारी है आपकी। हंसी मजाक ना ठीक रहता है कि क्लास का माहौल लाइट रहता है, ये बदतमीजी करने के लिए अगर आप आते हैं ना तो बाहर चले जाइए क्लास से, बदतमीजों की जगह नहीं है यहां पर। बड़ी देर से अवॉइड कर रहा हूं, बार बार लिखे जा रहे हैं, बार बार लिखे जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं, भैया पढ़ा रहे हैं, हंसी मजाक में पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना चले जाओ भाई कहीं और पढ़ लेना, क्लास का माहौल खराब करने के लिए मत आया करो। चलो 1960 के दशक की बात है, 1960s की बात है, 1960s की। हरियाणा में एक नेता हुआ करते थे, गया लाल। अच्छा हरियाणा में ना, हरियाणा में लालों का बड़ा बोलबाला रहा है, बहुत सारे देवी लाल, ठीक है, बहुत सारे लाल रहे हैं हरियाणा के। उनमें से एक थे गया लाल जी। बड़े बड़े बेहतरीन नेता थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 14 दिन के अंदर, मैं 14 दिन की बात कर रहा हूं बस, 14 दिन के अंदर, 14 days, 14 दिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 1967 की बात है, 1967 के चुनाव हुए थे हरियाणा में, 1967। ये निर्दलीय थे, ये निर्दलीय जीत कर आए थे, इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। जब ये इंडिपेंडेंट जीत कर आए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी ने इनसे कहा हमारे साथ आ जाओ, ये कांग्रेस के हो लिए, कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस के बाद जो है वहां पर एक और गठबंधन का वो चल रही थी सरकार, उन्होंने कहा हमारे साथ आ जाओ, ये उनके साथ हो लिए। बड़े भोले थे बेचारे, बहुत भोले थे, ये उनके साथ चले गए। फिर कांग्रेस ने फिर कहा हमारे साथ आ जाओ, ये कांग्रेस के साथ आ गए। जैसे ये कांग्रेस के साथ गए, सामने वाला जो दल था उसने कहा यार हमारे साथ आ जाओ, ये उसके साथ चले गए। 9 घंटे में, विद इन नाइन आवर्स ये उस गठबंधन वाले दल को छोड़कर कांग्रेस में आए थे, और कांग्रेस को छोड़कर दोबारा से उस गठबंधन में चले गए थे, कोएलिशन में चले गए थे। तो इन्होंने 9 घंटे में क्या किया था, यहां से वहां, वहां से वहां चले गए थे। तो यहां से टर्म आया था आया राम गया राम। क्या नाम था, गया लाल से क्या नाम पड़ गया, आया राम। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, वहां पर इन्हें कहा गया था, मजाक में कह दिया था कांग्रेस के नेता ने कि गया राम इज नाउ आया राम, कि जो गया राम जो चले गए थे अब वो वापिस आ गए, तो वो आया राम बन गए हैं। तो वहां से टर्म आया था आया राम गया राम। हरियाणा की राजनीति से नाम आया है आया राम गया राम, कि जो गया राम हो गए थे अब वो वापिस आ गए। लेकिन
हंसी मजाक तक तो ये चीज ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये आया राम गया राम वाली स्थिति जो होती है ये भारतीय राजनीति को कमजोर करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सरकारें होती हैं वो गिर जाती हैं, और अगर सरकार गिर जाएगी तो फिर राजनीतिक व्यवस्था में क्या होगा, अस्थिरता आएगी, इंस्टेबिलिटी। और किसी भी देश के लिए राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता सही नहीं होती, किसी भी देश के लिए राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता सही नहीं होती। और इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को रोकने के लिए क्या किया गया था, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि दल बदल के आधार पर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर राज्य में जो विधायिकाएं काम कर रही हैं इनका कोई मेंबर अगर दल को बदल लेता है तो दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, अभी हमने देखा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने यह संविधान में प्रावधान किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज जो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसने एक और प्रावधान किया है संविधान में, और वो प्रावधान क्या है, वो प्रावधान ये है कि अगर किसी सदस्य को, अगर पार्लियामेंट के किसी मेंबर को दल बदल के आधार पर निष्कासित कर दिया जाता है, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, तो फिर आप उसे मंत्री भी नहीं बना सकते, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर संसद का कोई सदस्य, कोई मेंबर दल बदल के आधार पर निष्कासित हो जाता है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, तो फिर आप उसे मंत्री भी नहीं बना पाओगे। यह किसने किया है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। बोलिए, बात क्लियर हो गई, जल्दी बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई, जल्दी बता दो बच्चों, तीव्र गति से बता दो, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है द मिनिस्टर्स, और ये सब 75th आर्टिकल में लिखा हुआ है, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, जो भी अभी तक हमने प्रावधान पढ़े हैं वो 75 में ही लिखे हुए हैं, आर्टिकल नंबर 75। एक और प्रावधान है, द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो मंत्री, भाई हमने देखा अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल नंबर 75 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो ये जो मंत्री होते हैं, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। ठीक है शुभांकर जी, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब तो मैं बहुत पहले दे चुका हूं, आपको ये भी याद नहीं है, मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ क्लास में ही पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताए थे चार आधार जिन आधारों पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब जो मैंने पढ़ाया आप भूल गए हो, क्लास में बताए थे चार आधार, जरा जाके रिवाइज करो, याद आएगा। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक मंत्री अपने पद पर बना रहेगा, जब वो चाहेंगे उसे हटा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति का जब मन आएगा वो हटा देंगे। राष्ट्रपति अगर नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर करते हैं तो वो हटाते भी किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के, याद रखना इस बात को, संविधान में यह बात जरूर लिखी है दैट द मिनिस्टर्स होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाला जाता कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी को मंत्री पद से हटा दे। नियुक्ति किसके कहने पर हुई है, प्रधानमंत्री के कहने पर हुई है, हटाएंगे भी किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर हटाएंगे। बोलो, इतनी बात क्लियर,
इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, ये थोड़े इंटर रिलेटेड है, कैसे है मैं अभी समझाता हूं। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट है आर्टिकल नंबर 75 का सब पार्ट 3। सब कुछ भूल जाओ चाहे, इसे मत भूलना कभी, चाहे सब कुछ भूल जाओ इसे मत भूलना, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, पूरी की पूरी संसदीय प्रणाली जो होती है, संसदीय व्यवस्था जो होती है, वो इस एक बिंदु पर, इस एक पॉइंट पर टिकी होती है कि मंत्रिपरिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, वो सामूहिक तौर पर कलेक्टिवली किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो है हमारा, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो है हमारा, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, ठीक है, याद रखना लोकसभा। अगर कभी, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में, ठीक है, अगर कभी परीक्षा में सवाल आए, एक सेकंड लेना यार, यार बच्चे भी ना, पता है कि क्लास में हूं, क्लास पढ़ा रहा हूं, पता है 12 बजे से 1 बजे तक सर की क्लास होती है, फिर भी बताइए कॉल कर रहे हैं, बताओ यार क्या ही करूं मैं। अगर कभी परीक्षा में सवाल आए और वहां पर ये लिखा हो कि भाई पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो होता है, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है, पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद के, वो सॉरी संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। अगर आपको ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जहां इस बात को गलत मान के छोड़ सकते हैं, गौर से सुन लेना मेरी बात, बहुत जरूरी है ये बात, गौर से सुनना, बहुत जरूरी बात है। अगर कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है जहां पर यह स्टेटमेंट दी गई है कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह बात गलत है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जहां पर इसे गलत मान के आप अलग हटा सकते हैं, तो इसे गलत मान के छोड़ देना, क्योंकि यह बात गलत होती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई सबको, ठीक है, कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा मैं रिलेट करवा देता हूं, जरा सुनना इस बात को, अब रिलेट करना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद में लिए जाएंगे, सबके सब मंत्रियों को उस निर्णय का समर्थन करना है। ऑल द डिसीजंस दैट शैल बी टेकन विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय ऑल द मिनिस्टर्स, कि जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद में लिए जाएंगे उन सभी निर्णयों का समर्थन किसे करना पड़ेगा, एक एक मंत्री को। यह होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अंग, एक पहलू। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई मंत्री मना कर दे कि भाई मैं इस निर्णय के साथ नहीं खड़ा रहूंगा, मुझे यह निर्णय सही नहीं लगता, मैं इसके साथ नहीं खड़ा रहूंगा। तो प्रधानमंत्री उससे कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप इस निर्णय के साथ नहीं खड़े रहना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप मंत्रिपरिषद छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन वो मंत्री मना कर देता है, ना तो मैं तुम्हारे निर्णय के साथ तुम्हारा साथ दूंगा, ना मैं तुम्हारे निर्णय के साथ खड़ा रहूंगा, ना तो यहां तुम्हारा साथ दूंगा, और मैं मंत्रिपरिषद भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं मंत्रिपरिषद भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा भैया इस्तीफा दे दे, वो इस्तीफा नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद छोड़ के जाओ, वो तैयार नहीं है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को यह कहेंगे, इस मंत्री को निकाल दो मंत्रिपरिषद से। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है कि मंत्री जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं
उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के हटा भी सकते हैं। बोलो अब बात क्लियर हुई, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के पास यह शक्ति है कि वो राष्ट्रपति से यह कह सके कि भैया ये जो मंत्री है इसे निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रहा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं कर रहा। बोलिए बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं इन सबको शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ये याद रखना, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे अन्य मंत्री हैं, इन्हें इनकी शपथ कौन दिलाता है? इन्हें इनकी शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्लियर रह हो गई बात? मेरे बाल को जल्दी जल्दी बता दो मुझे, और सेशन को यहीं पर विराम देता हूं क्योंकि 1 बजे से आपका एक और सेशन है, इस वजह से यहां पर रुकना पड़ेगा। सेशन को लाइक कर देना यार, अभी तक लाइक नहीं किया तो, ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और थोड़ी देर रुक जाना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहले तो आज से मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू हो रहा है। मेंटोरशिप प्रोग्राम में आज 2 बजे एक स्पेशल सेशन होने वाला है। ये स्पेशल सेशन जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो एक IAS ऑफिसर ऑर्गेनाइज करेंगे। वो IAS ऑफिसर जो है उनके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। जिन बच्चों ने हमारे फाउंडेशन बैचेस लिए हुए हैं उसमें इनरोल किया हुआ है, आपके लिए ये फाउंडेशन, ये जो है मेंटोरशिप, ये फ्री है, आपको अलग से नहीं लेनी। लेकिन अगर आप में से कोई जो सेल्फ स्टडी करता है वो मेंटोरशिप में हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कूपन कोड Y365 लगा लीजिएगा, Y365, जिससे आपको ये बैच जो है मेंटोरशिप का 2,250 रुपये में मिल जाए। तो 2,250 रुपीज में आपको ये पूरा का पूरा मेंटोरशिप का प्रोग्राम मिल जाएगा। जो बच्चे अलग से हैं, अलग से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 1 महीने का ये प्रोग्राम होने वाला है। बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे आपके लिए। जो बच्चे फाउंडेशन बैच में, आपको ये पूरे साल मिलता रहेगा। तो फाउंडेशन वालों के तो मजे है, पूरे साल आपको ये मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, जो अलग से लेना चाहते हैं, ये 1 महीने का आपका प्रोग्राम होगा। यहाँ पर आपके 15-16 सेशंस होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा आपका आपकी मेंटोर्स के साथ, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगी आपकी उनके साथ, जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में जो है आप मत घबराइएगा, आपको ये मिलने वाला। जो फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहता है, मॉर्निंग फाउंडेशन बैच, ये मॉर्निंग फाउंडेशन बैच जो है इसमें पहला सब्जेक्ट जो शुरू हो रहा है मेरा ही शुरू होगा, पॉलिटी। तो यहां पर मैं पॉलिटी ही कवर आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो जो जो जुड़ना चाहता है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच का मतलब है प्रीलिम्स मेंस का पूरा का पूरा, GS, CSAT सब कवर हो जाएगा, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग और मेंटोरशिप जो मैंने बताया, एक IAS ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, वो मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। पूरे साल वो मेंटोरशिप मिलती रहेगी। अलग से मेंटोर आपको असाइन किए जाएंगे, जिनको आप फोन पे बात कर सकते हैं, जिनके साथ सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, जूम पे भी मीटिंग होगी, टेलीफोन पे भी आप बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनके साथ क्लियर कर सकते हैं। जो जुड़ना चाहता है Y365 लगा लेना, Y365। जब आप Y365 लगा लोगे तो ये बैच आपको लगभग 8700 रुपीज का मिल जाएगा, 8700 रुपए का बैच जो है आपका पड़ेगा। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करते हैं तो कई बार तैयारी लंबी हो जाती है, भाई 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, सिलेबस बहुत है जो कवर करना पड़ता है। तो बच्चों को क्या लगता है कई बार कि यार एक साउंड करियर बैकअप होना चाहिए, कि हो सकता है UPSC में सिलेक्शन नहीं हुआ आगे चल के तो हमारे करियर का क्या होगा। तो 2 बड़े एग्जाम आपके आने वाले हैं, एक है UPSC EPFO का एग्जाम। EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, APFC। ये APFC की जो वैकेंसी होगी ना, ये आने वाली है, अगस्त या सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगी ये वैकेंसी। इसमें स्टार्टिंग सैलरी लगभग 85,000 होगी, 85,000 या 90,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो 85,000 या 90,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी, आपकी पहली सैलरी होने वाली है, पहली तनख्वाह होने वाली है। तो यहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत है। और यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो केवल मांगी गई है आप स्नातक हो, ग्रेजुएट हो और आप 21 साल के हो। तो यार आप तो दोनों ही है, 21 साल के भी और ग्रेजुएट भी। तो ये फॉर्म जरूर भरना, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होगा। इसका बैच भी हम लेकर आ रहे हैं क्योंकि इसमें आधा सिलेबस यूपीएससी से मिलता जुलता है, लेकिन आधा जो है वो अलग है, ठीक है, आधा सिलेबस अलग है और आधा यूपीएससी से मिलता जुलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है,
10 अगस्त से शुरू हो रहा है और कोई बहुत बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। फीस हमने इस बैच की जानबूझ के कम रखी है क्योंकि हमें, मैंने पहले भी कहा, हमें ये बात समझ में आती है यार, बच्चा तैयारी, अब इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं, बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहेगा लेकिन फिर उसके ऊपर बर्डन पड़ता है, इसीलिए हमने सस्ते में रखा। तो कूपन कोड लगा लेना Y365, ये आपको लगभग लगभग मेरे हिसाब से ये बैच आपको 2300-2400 मतलब 2500 रुपए के आसपास ये बैच ज्यादा से ज्यादा आपका पड़ेगा, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ RO/ARO की वैकेंसी आ रही है, यूपी में समीक्षा अधिकारी RO/ARO अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, अच्छी सैलरी मिलती है और आपको सचिवालय में रहकर काम करना होता है, जो यूपी का सेक्रेटेरिएट है लखनऊ वहां पर रहकर आपको काम करना होगा, ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है, ये भी अच्छा करियर बैकअप है, आप इसका भी फॉर्म जरूर भरिएगा। फॉर्म आपको इसी महीने या अगले महीने देखने को मिल जाएगा, जरूर इस फॉर्म को भरिए और एग्जाम को दीजिए। यहां पर भी जो सिलेबस है वो UPPCS और UPSC से मिलता जुलता है, सिमिलर है। जो बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है, लक्ष्य 3.0 बैच है हमारा, ये बैच जो है ये RO/ARO को ही टारगेट करते हुए हम लेकर आए हैं, आज से शुरू हो रहा है ये बैच, आज से शुरू हो रहा है 8 अगस्त। जो इस बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहता है भाई, आप जुड़ सकते हैं। आज इसकी पहली क्लास होगी, 2 बजे से 5 बजे तक क्लासेस चलेंगी, तो 2 बजे से 5 बजे तक डेली इसकी क्लासेस चलेंगी, मंडे टू सैटरडे, आज से शुरू हो रहा है। पहली क्लास से जब आप जुड़ जाते हो अपने फैकल्टीज टीचर्स के साथ तो आपको, ठीक है, तब आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाता है, आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाती है। तो जो बच्चा इसमें जुड़ना चाहता है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक। और भैया जो राजस्थान से RAS राजस्थान की तैयारी कर रहा है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भाई आपकी RAS की वैकेंसी भी आने वाली है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं बच्चों को बताता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना बम्पर वैकेंसी आने वाले, यूपी में भी वैकेंसी आएगी, UPSC APFC का एग्जाम नोटिफाई करने वाला है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS में वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए, तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए और कोशिश कीजिए आप उसे क्लियर कर सके। तो RAS की भी वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान का भी बैच आ चुका है, यह बैच आपका आज से शुरू हो जाएगा, यह भी 8 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो 8 अगस्त आज से बैच शुरू हो जाएगा, इसमें भी एडमिशन लेना, Y365 कूपन कोड लगा लो और एडमिशन ले सकते हो, सस्ते में मिल जाएगा बैच, लगभग लगभग 3000 के नीचे ये बैच भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि बैचेस कहां से परचेज करने हैं, कहां पर आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं। आप सबसे पहले जाइए गूगल पर, गूगल पर जाकर टाइप कीजिए Adda247, अड्डा की वेबसाइट आ जाएगी। और हां, अड्डा की वेबसाइट से बेटर है यार ऐप डाउनलोड कर लो, इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री कॉइन्स मिल जाएंगे तो आपकी और अच्छी तैयारी हो, मतलब और सस्ते में बैच मिल जाएगा। तो क्या करना है, आप ना अड्डा की ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। यहां पर जब आप आ जाएंगे लेआउट आपको मिल जाएगा, यहां सबसे ऊपर देखो ऑल कोर्सेज का ऑप्शन है, ऑल कोर्सेज में जाओ, ऑल कोर्सेज में यहां पर UPSC का ऑप्शन है, UPSC में आ जाओ और UPSC में देखो ये स्टेट सिविल सर्विसेज स्टेट PCS ये रहा, ठीक। यहां आप देख सकते हो ये रहे वो सारे बैचेस जिसकी मैंने बात की थी, लक्ष्य 3.0 RO/ARO का बैच है, आज से शुरू हो रहा है 8 तारीख, यहां पर मिल जाएगा। महाराणा 2.0 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS का बैच है, यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज के बैचेस यहां पर मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था हमारा, एक सेकंड देना मुझे, हाँ मैंने आपको बताया था हमारा आज से मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मेंटोरशिप कहां मिलेगा, ऑल कोर्सेज में UPSC, UPSC में CSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, देखो ये रहा मेंटोरशिप प्रोग्राम और ये रहा मॉर्निंग फाउंडेशन बैच। अगर मॉर्निंग फाउंडेशन बैच में जुड़ गए हो तो टेंशन मत लो, ये ऑटोमेटिकली इसमें मिल जाएगा। अगर अलग से जुड़ना चाहते हो तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में अलग से भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें ले चुके हो तो टेंशन मत लो, इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। और हाँ, जो APFC वाला एग्जाम है वो भी बताया था, ऑल कोर्सेज में UPSC के ऑप्शन में, UPSC में ये रहा देखो EPFO में चले जाना, ये रहा वो बैच, 10 तारीख से शुरू होगा, 10 अगस्त से लाइव बैच होने वाला है, लाइव क्लासेज होंगी, मेंटोर्स के साथ जुड़ जाओ और तैयारी में लग जाओ, ठीक। चलिए भाई, अब आपसे मुलाकात करते हैं 4 बजे आंसर राइटिंग की क्लास में, होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यार देखो एग्जाम बहुत आ रहे हैं, वैकेंसीज बहुत आने वाली हैं, तो जुट जाओ कि जो सपना है वो पूरा हो जाए। और देखो कई बार UPSC की तैयारी लंबी हो जाती है, तो उस तैयारी में प्रेशर्स होते हैं कि करियर बैकअप होना चाहिए, क्या करेंगे हम आगे चल के, वो समझ में नहीं आता, तो इसी वजह से ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। 2 वैकेंसी RO/ARO की हो गई, APFC की हो गई और राजस्थान में, तो अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो RAS की, तो वो भी आने वाली है, ठीक। 4 बजे मिलता हूँ, थैंक यू एवरीवन। इसके बाद हमारे सर का सेशन है, सिद्धार्थ सर का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस होने वाला है, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक कर देना और नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।